पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति जिनकी आज पुण्यतिथि है, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। जब मैं सदन में पहली बार आया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। मैं उधर बैठता था, अभी भी उधर की याद भूली नहीं है। लेकिन मैं काफी पीछे बैठता था क्योंकि संख्या बहुत कम थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई, पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, ये परिवर्तन इतिहास की बदलती हुई प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। चेक कर लेना। हाल में जो चुनाव हुए उनमें जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया। समय है कि उस जनादेश पर गहराई से विचार किया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, अन्य दलों की स्थिति है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जब लोकसभा का विसर्जन हुआ, कांग्रेस पार्टी के 260 सदस्य सदन में थे। आज उनकी संख्या घटकर 136 रह गई। ये जनादेश का परिणाम है। इस परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। आत्ममंथन होना चाहिए। करीब करीब आधी संख्या रह गई। वाम मोर्चा 57 से 52 पर आ गया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वोटों की दृष्टि से उनकी शक्ति घटी है। बिहार में भी घटी है। बिहार में जनता दल पहले 56 था इस सदन में और अभी 44 है, अभी 44 है। बिहार में समता समिति के साथ चुनाव लड़ी और लोकसभा के चुनाव में भारी सफलता मिली है। कांग्रेस की संख्या केवल यही कम नहीं हुई, अनेक विधानसभाओं में कांग्रेस ने जनविश्वास खो दिया। नहीं नहीं, पहले वह अन्य दलों की सरकारें बनी है।
ये परिवर्तन क्यों हुआ, ये किस बात का संकेत है? ये भी बात ध्यान देने की है कि आज मेरी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिए जो दल एक हो रहे हैं, वो चुनाव में अलग अलग लड़े थे, एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए लड़े थे। चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं हुआ, आज भी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार पहले बनेगी और उसका कार्यक्रम बाद में बनेगा। इस गठबंधन का आधार क्या है, इसकी भावात्मक भूमिका क्या है, इतने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे किसे क्यों बुलाया, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया, कुछ लोगों की नींद हराम हो गई, कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते, क्या वो कांग्रेस को बुलाते जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया, क्या वो एक भानुमती के कुनबे को बुलाते जो तब तक कुनबा जला भी नहीं था। राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया, और इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि इस मामले में सारा सदन साथ हो। विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है 31 तारीख तक, आज ये 27 तारीख है। हम अगर चाहते तो 31 तारीख तक रुक सकते थे, 30 को ये प्रस्ताव ला सकते थे, ये जो हमें निर्देश दिया गया उसके अनुसार होता, लेकिन हम 27 को विश्वास मत लेकर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है और ये निकेल प्रकार बहुमत बनाना ये हमारा ढंग नहीं है। इस सदन की दीवारें, इस सदन में एकाट टोका टोकी का मैं बुरा नहीं मानता, मगर रोका रोकी नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं, अभी 3 दिन बाकी है और पिछली लोकसभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह से रात ही रात में
अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी, तब ईमान का सौदा हो रहा था, तब पार्लियामेंट की खरीद, पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था, मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, अपने मूल में नैतिक व्यवस्था। पुरानी सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वो ईमानदारी से गठबंधन करते, विरोधी दलों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से बना हुआ गठबंधन, ईमानदारी से जो कुछ हो खुले में हो, जो कुछ हो सबके सामने हो, पारदर्शी प्रामाणिकता। दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आए, हिस्सा बांट के आधार पर नहीं। बैंकों में लाखों रुपए जमा किया जाए इसको लेकर नहीं। अगर देश सचमुच में एक मिलीजुली सरकार के दौर में पहुंच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव 77 का और 89 का फिर से न दोहराया जाए। क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, ये संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है? कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है कि वो समर्थन देती है और फिर वापस लेती है। ये ट्रावन कोर से चलने वाला सिलसिला है। अब अगर कांग्रेस के चिंतन में परिवर्तन होता है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तक इतिहास कुछ कहानी कहता है। जो मिलीजुली सरकारें बनती हैं, वो भी ऐसे मुद्दों पर टूट जाती हैं, जिन मुद्दों का राष्ट्र जीवन के साथ कोई गहरा संबंध नहीं। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। ये अलग अलग दलों के साथ आने पर लागू होने वाली बात नहीं है, ये दल के भीतर भी लागू होने वाली बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है, पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तब तो ये देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे का महत्व कम करने के अनावश्यक अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं। मैं इसका अपवाद नहीं हूं, मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं। ये काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती, हमने करने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हुए। ये तो सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कल के बाद कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मध्य मर्यादा में रहना चाहिए,
वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। ये तो नहीं हुआ, पिछले 5 साल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आगे ऐसा होगा इसका विश्वास है? अगर यूनाइटेड फ्रंट कोई कार्यक्रम लेकर आए और कार्यक्रम के साथ ही विश्वास दिलाए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, सत्ता की कुर्सी के कारण पुराने कट अनुभव दोहराने नहीं दिए जाएंगे, तब तो जनता को थोड़ा आश्वासन मिल सकता है। अन्यथा लोग बड़े दुखी हैं, अस्थिरता की आशंका है, देश के भविष्य के बारे में चिंता है। पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने जो शब्द कहे थे, मैं उस समय राज्यसभा का सदस्य था, ये 29 मई का मेरा भाषण है। मैंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूं सभापति जी, कि स्वतंत्रता के नेहरू जी सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे नायक थे, आज वह भी विपदग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही है। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, अपने आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए, सूर्यास्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है। ये एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को समर्पित कर सकें एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ हो, समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की स्थापना में अपना योग दे सके, तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि करने में सफल नहीं होंगे। यहां मेरा उद्धरण समाप्त होता है। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दें। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं, आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, वो हमसे आगे बढ़ गए। जो देश हमारे बाद जन्मे थे, वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है, 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है, या पीने का पानी नहीं। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते, लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटा कर ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं? हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते? देश में साधनों की कमी नहीं है, और साधनों की अगर कमी है तो उसको ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन जो साधन हैं उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है,
उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं पहुंचता। कहां जाता है, किसकी जेब भरी जाती है, किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है, विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेशी पूंजी आए, और अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि यह चमत्कार कैसे होता है, भास्कर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है, रुपये को पहचानना मुश्किल है, रुपया अंतर ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, उसको बिना कम किए, और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए, कोई एक दलीय काम नहीं कर सकता। हां, हमारे पुराने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते, लेकिन वो कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएं ध्यान नहीं खींच सके। हमारा विदेशी व्यापार कितना घट गया है, शताब्दी के प्रारंभ में 10% था, फिर बाद में 2.5% रह गया, और अब 0.5%। ये वस्तुस्थिति है, यह आलोचना के लिए नहीं कही जा रही। दुनिया वाले हमें अलग अलग पार्टियों के रूप में नहीं देखते, हमारे पड़ोसी हमें भेद नहीं करते। हम कभी विफल होते हैं दुनिया हंसती है, हमारे पड़ोसी हम पर छेताकछी करते हैं। थोड़ा बहुत हम लड़े इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़ना चाहिए। मुंडे मुंडे मतिर भन्ना, अपनी बात निर्भीकता से कहना चाहिए, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं, जीवन मूल्य ऐसे हैं जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता, और उसमें है राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल। हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार फैलते फैलते नीचे किस हद तक गया है? हमारे बिहार प्रदेश में जानवरों का चारा खा लिया गया, जांच हो रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, कोई सीमा नहीं। अभी मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी थी तो उनके पास अफसर आए और जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देकर अध्यक्ष पद लेना चाहते। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने किसको छांटा, उन्होंने किसकी नियुक्ति की, मगर मैं उनके कथन पर विश्वास करता हूं। आज देश में बिजली की कमी है, हम विदेशी पूंजी को निमंत्रण दे रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, मगर घर के भीतर बिजली कितनी पैदा होना चाहिए इसका प्रबंध नहीं कर पा रहे। मुझे बताया गया कि कोई मुख्यमंत्रियों की समिति बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी, मगर राय नहीं बनी। राय इसलिए नहीं बनी कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि
कि देश का हित गौण हो गया है, देश का हित पीछे चला गया। आठवीं योजना के अंतर्गत 33,000 किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था, मेगावाट, और इस अभी तक मुझे जो आंकड़े मिले उनके अनुसार 13,000 मेगावाट तक बिजली हम जोड़ सके, क्षमता नहीं जोड़ सके। अभी उत्तर प्रदेश की शिकायत हो रही है, मैं बिहार में गया था तो चुनाव के दौरे में बिहार के लोगों ने बताया, नीतीश जी ने बताया, 4 दिन हफ्ते में बिजली नहीं है। मैं नहीं जानता ये कहां तक है। हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं और उनके योग्य उत्तराधिकारी हम लोगों को प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाने की तैयारी। क्या ये चीजें हमारे मर्म को स्पर्श नहीं करती? क्या ये दलगत राजनीति की मांग करती? हमने तो 10 दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर उंगली उठाई जा सके, और अगर हमें 5 साल मिले तो हम ऐसा शासन देकर जाएंगे जिसमें दाग, एक भी दाग ढूंढना मुश्किल है। लेकिन शासन तंत्र जैसा हमें उत्तराधिकार में मिला है, व्यवस्था का सवाल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हम चुनाव सुधार के काम को हाथ में लेंगे। यह मामला लटक रहा है, बरसों से लटक रहा है। चुनाव में खर्चा कहां से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए अगर काला धन लिया जाएगा तो फिर चुनाव के बाद उस काले धन से मुक्ति नहीं है, बदलने की जरूरत है। गोस्वामी कमेटी बनी, स्टेट फंडिंग का तय हो गया, सिफारिश सामने आ गई। लोकसभा के पिछले अधिवेशन में जब पुरानी सरकार थी, गृहमंत्री चव्हाण ने विरोधी दलों की नेताओं की बैठक में आकर कहा कि सरकार ने सिद्धांततः पब्लिक फंडिंग का प्रस्ताव मान लिया, कैबिनेट के पास गया है, हम चुनाव के पहले लागू कर देंगे। क्या हुआ उस प्रस्ताव का? क्या हुआ? कैबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई? बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, उससे सारे चुनाव प्रणाली के दोष दूर हो जाएंगे ये मैं दावा नहीं करता, उसके भी कई पहलू हैं, मगर एक कदम था, उसको उठाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मित्रों का जो वर्तमान भ्रष्ट प्रणाली है, महंगी प्रणाली है, उसमें स्वार्थ है, ये चलने दो, ये तो नहीं होना चाहिए। काले धन से चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं।